आ जा है। अब इसके बाद जो है ऐसे समीक्षा हो साई ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ मुंह मीठा कर आइए। अरे आप लोग ले लीजिए, फिर सर लोग देंगे ना। सर लोग को कहाँ जा रहा है? सर को पढ़ाए वो पढ़ के चीज दे दीजिएगा। इनको देखिए कैल्शियम की आप ये हो जाते हैं। हाँ हाँ दोनों बच्चों समीक्षा से और साहिल सर इस मौके पर ये सिर प्रदान करते हुए और अनुष्ठान वितरण करते हुए हमें महान खुशी का अनुभव हो रहा है। हमने महसूस किया कि हमारा मार्गदर्शन सही रहा। बेटा ये पहली सीढ़ी है जीवन में, आपको बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है। आपका लगन, आपका परिश्रम, आपका ध्येय पर बिल्कुल लगा रहे, जैसा कहा गया है का चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी लक्षण। तो अपने उद्देश्य को निश्चित रूप से देख लीजिए कि हमको ये करना है इन फ्यूचर, और अपने भविष्य की का जो बैकग्राउंड है, जो न्यू है, जो उसका आधार है, उसको इतना मजबूत बनाइए कि आगे आप जो बिल्डिंग पर अपनी भविष्य की बनाना चाहते हैं वो बहुत ही सुदृढ़ और अल्प बहुत समय तक वो टिकाऊ रहे। आपके दोनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। ये प्रकाश विनियस, ये डार्लिंग सनबीम गवर्न बाई प्रकाश जीनियस एजुकेशन सोसाइटी निश्चित रूप से आपको एक दिशा प्रदान किया है, और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में आप अग्रसर होते रहेंगे और अपने जीवन की अंतिम सफलता को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी अपना आशीर्वाद समाप्त करें। समीक्षा, आप ये बताओ कि सीबीएसई बोर्ड में आपको हाई स्कूल में 97.7 अंक मिले हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय अपने परिवार और यहाँ के सभी शिक्षकों को मैं दूंगी। बिकॉज कोई भी स्टूडेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट टीचर्स और फैमिली का ही रहता है। यहाँ के टीचर्स ने हमेशा हमें मेंटर किया, हमेशा एक कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ हम कर सकते हैं। ओबरा से मतलब हमारे स्कूल से अभी तक इतना परसेंट लाने में सबसे ज़्यादा टीचरों का योगदान रहा है, और फैमिली तो हमेशा सपोर्ट करती है।
स्पेशली हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे कि हाँ हम कर सकते हैं। टीचर्स कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा बताते थे। मतलब हमेशा एक फीलिंग रहती है कि हाँ टीचर्स रीचेबल हैं, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सभी को मैं थैंक यू कहूँगी और आशा करती हूँ सबका आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे और आगे भी सक्सेसफुल हो। थैंक यू। अभी तो आपके पास काफ़ी समय है आगे पढ़ने के लिए, हाई स्कूल आपने उत्तीर्ण किया है, आपने क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि आगे क्या करना है? अभी तो मैंने बायो ऑप्ट किया है, सो आगे देख सोच रही हूँ कि डॉक्टर बनूँ। डॉक्टर के लिए तो क्या डॉक्टर की लाइन में भी कोई चीज़ आपने तय कर लिया है कि किस चीज़ की डॉक्टर बनेंगे? अभी कुछ स्पेसिफिक तो किया नहीं है और अभी डिस्कवर करना चाहूँगी क्या क्या अभी और क्या क्या रास्ते हैं। अच्छा, जो आपको इतने मार्क्स मिले तो कितने देर आपकी पढ़ाई होती थी, एक दिन में क्या रेशियो होता था उसका? जैसे कि हर दिन डिफरेंट होता है, तो एक आप टाइम तो सेट कर नहीं सकते कि रोज़ इतने घंटे ही पढ़ना है, तो डेली के टारगेट्स एक बना लेते हैं और उसको अचीव करने के लिए जितना टाइम लगे उतना देते हैं। बट एवरेज स्कूल के अपार्ट 3 टू 4 आवर्स डेली। क्या आप जितना समय देती थी उससे संतुष्ट हैं या आगे कुछ नया बड़ा करने के लिए इससे और अधिक समय दीजिएगा? नहीं, एक कहा गया है कि बेस्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उस चीज़ पे बेस्ट अपना देना इम्पोर्टेंट है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी बेस्ट बट टू गिव योर बेस्ट। तो वही है कि आगे और अच्छा करना है, कभी सेटिस्फाइड नहीं होना कि हाँ इतना मिल गया चलो, आगे और करना है। अच्छा, आपको किस बात से गुस्सा आता है, किस बात पर नाराज़गी होती होगी, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आपको पसंद नहीं है? प्राय जो बच्चे होते हैं उनके मन में कुछ बातें होती हैं, इसके बारे में बताइए। गुस्सा तो ऐसे बहुत ही आता है, बट कम नंबर आते तो खुद पे भी गुस्सा आता है कि हाँ और कर सकते थे बट नहीं किया। सामान्य तौर पर यह जो आपको अंक मिले हैं लगभग आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, अन्य बच्चों के लिए क्या संदेश है आपको, जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते उनके लिए? पहले तो रटना नहीं चाहिए कोई भी चीज़, अगर कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो क्वेश्चन कैसे भी दे दे आप उसको अटेम्प्ट कर ही लेंगे। और अपना प्रेजेंटेशन आंसर का वो बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि टीचर पे फर्स्ट इम्प्रेशन उसी से पड़ता है। तो यही रहेगा। निश्चित है, हमारी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका लक्ष्य मेडिकल के क्षेत्र में जाना, तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जाएं और अच्छा चिकित्सक बने, अपना नाम, घर परिवार का, अपने विद्यालय का, समाज का, देश का, सबका नाम रोशन करें, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। आप हमें बताएं आपका क्या नाम है? साहिल शर्मा। साहिल शर्मा, साहिल शर्मा जी, आपको 97.2% अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? सर इसका श्रेय सर मैं अपने पूरे पेरेंट्स और जो भी यहाँ के टीचर्स हैं, जैसे सुधीर सर, मनीष सर, आकाश सर और भी जितने टीचर्स हैं उनको देना चाहिए। सर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने मेंटर किया और काफ़ी सर सपोर्टिव रहे हैं यहाँ के टीचर्स। आपने अपना टारगेट कुछ निश्चित कर लिया है? यस सर। सर मैंने अभी मैथ लिया तो मुझे IIT भी क्रैक करना है। IIT? क्या उसमें, IIT क्षेत्र में बहुत सारी फैकल्टियाँ होती हैं, क्या उसमें भी आपने पहले से कुछ मन बनाया कि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएंगे तो क्या करेंगे? सर अभी तो सर कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन मुझे सर कंप्यूटर साइंस करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है। जिस तरह की मेरिट मिलेगी उसके हिसाब से आपका रेट डिसाइड होगा, आप उस क्षेत्र में जाएंगे। अच्छा, इस समाज में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है, इस देश में आपसे पूछा जाए कि नंबर वन प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? सर नंबर वन प्रॉब्लम सर मेरे अकॉर्डिंग सर लगता है कि जैसे एजुकेशन का सर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है लड़कों को। सर एजुकेशन तो है लेकिन सर एक क्वालिटी एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो एजुकेशन सर इंडिया में थोड़ा सा वो होना चाहिए क्वालिटी को। हाँ सर, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हालांकि यह सवाल आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, फिर भी मान लीजिए आपके हाथ में यह व्यवस्था आ जाए कि शिक्षा व्यवस्था को और गुणवत्तापूर्ण करना है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? सर क्वालिटी एजुकेशन के लिए सर जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो इंडिया टीचर्स हैं सर उनको थोड़ा और ट्रेन करना चाहिए, और जो सर स्टूडेंट है सर स्टूडेंट को थोड़ा और करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको और इन्वॉल्व करेंगे तो उससे सर स्टूडेंट्स की जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी है सर वो थोड़ा अच्छी हो। खाने में क्या पसंद करते हो? सर सब कुछ खाते हैं। कुछ उसमें विशेष होता होगा? ऐसा सर कोई ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी मिल गया उसको खा लिया। और आपने? सिंपल खा तो कुछ भी लेते बट फास्ट फूड आजकल के बच्चों की तरह ज़्यादा पसंद है थोड़ा। अच्छा, अभी आप फास्ट फूड पे जोर देंगी और डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर एडवाइस देंगे? अब बच्चे हैं, बड़े होंगे तो वही सीखना है।
अच्छा, जो बड़ा होकर करेंगे तो क्या उसको अभी नहीं कर सकते? तो कोशिश कर रहे हैं भाई। हाँ, इसका मतलब हमें मान लें कि अभी जरूर आपको पसंद है, लेकिन धीरे धीरे इसको आप, वही हुआ कि डॉक्टर बनना है फ्यूचर में, तो करना पड़ेगा खुद पे भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आप फास्ट फूड खा के चेक कर रही हैं, उसके बाद जो कुछ होगा डॉक्टर? ऐसा नहीं। ठीक है, आप लोगों से हमारी बातचीत हुई, आप लोगों ने समय दिया, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग और अच्छा करिए ताकि फिर हम आप लोगों से दोबारा आप लोगों तक पहुंच करके मिलें, और उस दिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आप अपने चैम्बर में रहें और मेरे जैसा व्यक्ति जाए तो लाइन लगाए, आपके पास पर्ची भेजे, उसके बाद आप लोगों के द्वारा समय दिया जाए। ठीक है, जय हिंद मित्रों। सोनभद्र के ओबरा में स्थित DS स्कूल ने इस बार अपने कौशल का परिचय दे दिया है, यहाँ का 100% रिजल्ट आया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकों, शिक्षिकाओं एवं उससे जुड़े हुए प्रबंधन को कोट कोट धन्यवाद। ओबरा के लिए यह आवश्यक भी है कि उत्कृष्ट शिक्षा के संस्थान हों, और यह बता दूँ इसके पहले CBSE बोर्ड के ओबरा नगर में कई विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में इस बार इस विद्यालय ने कुछ अच्छा ही कर लिया है, 100% रिजल्ट दे करके अपनी स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत कर लिया है। यह ओबरा के अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा सा संदेश है कि उन्हें गुणवत्तायुक्त विद्यालय के लिए कहीं और भागदौड़ नहीं करनी होगी, वे चाहें तो इस विद्यालय में प्रवेश लेकर के अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। हम एक बार फिर से उन सभी विद्यार्थियों को जिन लोगों ने अच्छा किया है, और उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी जो ओबरा नगर के हैं और अच्छा नहीं कर पाए हैं, उन सब के लिए हम अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। विशेषकर DS स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों को कोट कोट धन्यवाद देते हैं, जिनके निगरानी में, जिनके सतत प्रयास से इस विद्यालय ने अच्छा कर दिखाया है। यह नगर के लिए सौभाग्य की बात है। एक बार फिर से उन सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्य और विद्यालय से जुड़े हुए प्रमतंत्र के लोगों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। नित्य नया प्रयास करते रहें, कुछ अच्छा करते रहें। ओबरा का नाम सोनभद्र नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में रोशन करते रहें। और समीक्षा सिंह और शाही शर्मा को एक बार फिर से हम कोट कोट धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।